राज्यपाल जी, इस सभागार में उपस्थित मातृशक्ति, भ्रातृशक्ति और मीडिया से आए हुए दोस्त, यकीनन आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि हम इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष में यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। लेकिन एक सवाल जो मन को कचोट रहा है कि क्यों आवश्यकता पड़ रही है हमें इन दिनों को तिथियों में बांधकर मनाने की? क्या भारत समाज ऐसा नहीं है या भारत देश ऐसा नहीं है कि जिसको सदियों से मातृशक्ति, औरतों की शक्ति का ज्ञान है? क्यों हम इन चोचलों में पड़ गए हैं कि कभी हम फादर्स डे मना रहे हैं, तो कभी हम वुमेन डे मना रहे हैं, तो कभी हम कुछ और कभी हम कुछ मना रहे हैं? अगर हम अपनी संस्कृति की तरफ एक निगाह दौड़ाएं तो शुरू से लेकर आज तक स्त्री और पुरुष इस समाज का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। ये एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में काम नहीं करते, बल्कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। और आज मुझे इस मंच से ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि आज अगर इस हॉल में इतनी औरतें बैठी हैं तो इसका श्रेय पुरुषों को भी जाता है। सो हमें ऐसे समाज की संरचना की तरफ ध्यान देना होगा कि जिसमें औरत को सम्मान की दृष्टि से देखा जा सके। हम सब स्कूलों, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में अलग अलग औरतों पर शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन शिक्षा के तौर पर हम सिर्फ नॉलेज बांट रहे हैं। आदमी को इंसान बनाना एक बहुत बड़ी यात्रा है और उसका हर कदम अगर रोज हम एक एक पग भी लें तो शायद हम अपनी जिंदगी में ऐसा बनने में सफल हो सकेंगे। सो आज जितनी भी औरतें यहाँ पर बैठी हैं, मेरा उन सबसे सविनय निवेदन कि हम आदमी से इंसान बनाने की इस दौड़ में जो अपना योगदान दे सकते हैं वो जरूर दें। घरों में अपने बच्चों को, अपने बेटों को खास तौर पे ये शिक्षित करें कि औरत भोगने की चीज नहीं है, वो वस्तु नहीं है, वो सम्मान की अधिकारी है और वो सम्मान युगों युगों से उसको मिलता रहा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको इसके लिए दूंगी, आपको अंदाजा होगा कि वो समय कोई बहुत ज्यादा पुराना नहीं है कि जब गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी हुआ करती थी। वो किसी एक फैमिली की, एक परिवार की बेटी नहीं होती थी। आप में से बहुत से लोग पूजन करते हैं नवरात्रों के दिनों में, और आपने ये भी देखा होगा कि नवरात्रों में जब पूजन किया जाता था तो उस औरत को, उस बच्ची को सम्मान देने के लिए किया जाता था, ताकि उसके ऊपर किसी भी तरह की गलत नजर ना पड़े। ये सब कुछ किया था हमारे बुजुर्गों ने। अब बारी हमारी है कि किस तरह से हम अपने बच्चों को एक सही दिशा दे सके, ताकि उनके मनों में औरत के लिए एक सम्मान की भावना पैदा हो सके। और जिस दिन ये हो जाएगा, मुझे लगता है कि निर्भय कांड जैसी चीजें हमारी संस्कृति से अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। सो आज इस इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर आइए हम प्रण लें कि जहां जहां भी हम बैठे हैं, अपने कामों के साथ साथ हम ये संकल्प करेंगे कि हम इंसान बनाने की जो यात्रा है उसमें अपना अमूल्य योगदान देंगे। जहां तक मेरा अपना परिचय है, मैं हंसराज महिला महाविद्यालय, जो केवल उत्तर भारत नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे अग्रणी वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की संस्था है, उसकी प्रिंसिपल हूं। 5000 से ज्यादा बच्चियां मेरे कॉलेज में पढ़ती हैं। NAC, जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल बैंगलोर है, उससे 2 बार मेरी संस्था को पूरे भारत में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने का गौरव प्राप्त है। तो इस तरह की संस्था, और आज जो नेपाल से हमारे सब अधिकारीगण आए हैं, सर मेरा खुला आमंत्रण है आप लोगों को कि वहां से जितनी भी बच्चियां किसी भी तरह की शिक्षा हमारे संस्थान में प्राप्त करना चाहे, आपके लिए एक खुला निमंत्रण है।
जिस तरह की भी इकोनॉमिक हेल्प की उनको जरूरत होगी, जिस तरह की भी स्टे की, बोर्डिंग, लॉजिंग की फैसिलिटी की उनको जरूरत होगी, वो हम सब प्रदान करेंगे। मेरी संस्था जीएबी संस्थाओं की एक अग्रणी संस्था है जिसको मान हासिल है। पूरे भारतवर्ष में 1000 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस चलाने का प्रेजेंट करते हुए मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की स्किल योजना, कौशल भारत योजना, उसके सभी कोर्सेज, जिसमें कि हमारा प्रयास है कि लड़कियों को स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज चलाकर अपने पैरों पर खड़ा किया जा सके, वो सब कोर्सेज करने में जिस तरह की भी आपको मदद की जरूरत होगी, हम वो प्रदान करने के लिए हमेशा अग्रसर रहेंगे। तो आज के इस बहुत ही सफल आयोजन के लिए आयोजकों को बहुत बहुत मुबारक, और आप लोगों को यहाँ पर आकर इसका एक अमूल्य हिस्सा बनने के लिए भी बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद।